बिग बॉस के घर में बिग बॉस की चहल पहल, वहां की रौनक यानी कि मनीषा रानी का उड़ा है मजाक। और उनके एक्सेंट को लेकर जिस तरह बेबिका ने उनको टारगेट किया, मनीषा रानी इस बार खुद को रोक नहीं पाई और उनके आंसू निकल पड़े। काफी बुरी तरह से उनका ब्रेकडाउन सभी घर वालों ने देखा, साथ ही मनीषा रानी ने बेबिका को जमकर जवाब दिया। लेकिन इसी बीच जब मनीषा रानी की बहन का भी रिप्लाई इस मामले में सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, बेबिका धुर्वे ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करने पर मनीषा रानी के एक्सेंट का मजाक उड़ाया है। मनीषा रानी हमेशा की तरह अपनी दोस्त के पास आती हैं और उनके लिए कुछ अच्छा ही बोलती हैं, उनको एक एडवाइस देती हैं और इतने में ही बेबिका चिढ़ जाती हैं। किचन में खड़ी बेबिका मनीषा रानी को काफी बुरा भला कहने लगती हैं। मनीषा रानी की बोली में एक वर्ड को पकड़कर बेबिका उन्हें बुरा भला कहने लगती है। मनीषा रानी कहती हैं कि घर के सदस्य बाकी ये लोग भी खाना खाएंगे, तो आप जरा प्यार से खाना बनाएं। हालांकि उनकी बोली में थोड़ा सा फर्क होता है, वो सदस्य को सदस्य कह देती हैं। जिसके बाद बेबिका इसी बात को पकड़ के उनका मजाक उड़ाने लगती हैं। वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी तरह नहीं बोलती हूँ, गवर्नमेंट स्कूल की जड़ें ही ऐसी होती हैं। बेबिका ने काफी ज्यादा डिग्रेडिंग बातें कही मनीषा को, जिसके बाद मनीषा रानी उन्हें जमकर जवाब तो देती नजर आई, लेकिन रूम में जाकर काफी बुरी तरह से रो भी पड़ी। अब इसके बाद उनकी बहन का रिएक्शन इस मामले में सामने आया है। उनकी बहन ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि मनीषा के एजुकेशन पर सवाल उठाने पर आपका ये दिखाना कि आप कितने नैरो माइंडेड हैं, ये साफ पता चलता है। उनकी बहन सारिका ने कहा कि मुझे काफी दुख हो रहा है आपकी इस छोटी मानसिकता के लिए जो भी बेबिका ने पूरे शो में दिखाई है, जिन्हें 100 करोड़ लोग देख रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं वो अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, हालांकि वो दे नहीं पाते हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा प्राउड है कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। हमने अपनी सक्सेस स्टोरीज खुद बनाई है, ना कि पापा के पैसों पर। इसके बाद आपको बता दें दोस्तों, बेबिका धुर्वे को भी काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। बेबिका धुर्वे के लिए फैंस तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों का कहना है कि वीकेंड के वार पर सलमान खान को कहीं ना कहीं ये मुद्दा जरूर उठाना चाहिए। उनका कहना है कि जिस तरह से फैंस उनको देख रहे हैं, बिग बॉस को फॉलो करते हैं, इस तरह का मैसेज सोसाइटी में पहुंचाना काफी गलत है। एक यूजर ने तो ये तक कहा कि भाई वीकेंड का वार आ गया है, बेबी ट्रक तू तो अब गया। बेबी ट्रक यानी कि वो बेबिका की इसमें बात कर रहे होते हैं। बात करें मनीषा रानी की, तो भाई मनीषा रानी वैसे भी अपने छोटे छोटे कदमों को पार करते हुए अपनी सक्सेस की तरफ पहुंची हैं और फिर उसके बाद आई हैं वो बिग बॉस OTT सीजन 2 में। ऐसे में उनके साथ इस तरह का वाक्य हो जाना उनके लिए काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। हालांकि फुकरा इंसान इस बात में काफी ज्यादा उनको सपोर्ट करते नजर आए हैं। फुकरा इंसान ने जिस तरह से मनीषा को संभाला, ये सच में देखने लायक था, क्योंकि मनीषा रानी भी कुछ ऐसा ही करती नजर आई थी जब फुकरा इंसान को पूरे घर वालों ने टारगेट किया था। इसी बीच आपको बता दें, बेबिका जिस तरह ये बिहेव कर रही होती है, उस वक्त पूजा भट्ट उनके साथ मौजूद होती है, लेकिन पूजा भट्ट पूरी तरह से बेबिका का साथ देती है। इतनी ज्यादा गलत एक्टिविटी पर पूजा का ऐसा रिएक्शन देखने के बाद फैंस उन्हें भी काफी ट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बिग बॉस से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहें फिल्मी बीट। अगर आप ये वीडियो फेसबुक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।